अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालात अभी ऐसी हो गई है मानो गरीबी में आटा गीला हो गया हो। एक तो देश पहले से ही भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, ऊपर से अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शन में अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है और माहौल अभी भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी आवाम वहां के आर्मी जनरल के हेडक्वार्टर में घुसकर वहां से स्ट्रॉबेरी जैसी चीजें उठाकर ला रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद, जो कि सालों से कराची के अपने आलीशान महल में रह रहा है, वह बाहर निकलेगा या वहीं पर रहने वाला है। क्या पाकिस्तानी सरकार इस सिचुएशन में दाऊद और अंडरवर्ल्ड से फंडिंग लेगी या अपने घर से अपराध को खत्म करके वह बाकी दुनिया से जुड़ने वाला है? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bezorjora.com का यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का आर्थिक संकट अभी और बढ़ने वाला है। देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से राहत पैकेज का अभी भी इंतजार है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल उसे यह पैकेज मिलने वाला है। इसके बीच ही संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक और परेशानी बढ़ाने वाला बयान पिछले दिनों दे दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र की ओर से पाकिस्तान की चिंताओं को दोगुना करने वाला बयान दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि भयंकर आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान पर जो कर्ज है उसकी वजह से हालात और बिगड़ने वाले हैं। UN से जुड़ी ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के बाहरी कर्ज में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह से निर्यात से होने वाली आय में कमी आएगी और साथ ही आर्थिक संकट और ज़्यादा गहराएगा। पाकिस्तान पर इस समय 4 खरब पाकिस्तानी रुपये का कर्ज है। जनवरी 2023 में इस कर्ज में करीब 7.7% का इजाफा हुआ था। इस समय पाकिस्तान इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले एक साल से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक देश अब डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया है। इसकी वजह से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वजह से भी अर्थव्यवस्था पर गलत असर पड़ रहा है। UN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को इस समय सबसे ज्यादा गेहूं और ऊर्जा का आयात करना पड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से इन बाजारों में बढ़ती कीमतों के कारण पाकिस्तान पर अब जोखिम बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है युद्ध की वजह से आयात काफी महंगा हो गया है और साल 2022 में यही स्थिति बनी रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी रुपये के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है। साल 2020 के शुरुआत से ही पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 40% से ज्यादा स्तर तक गिर गया है। इस वजह से देश में महंगाई बढ़ी है और विनिमय भंडार तेजी से घटा है। UN के मुताबिक पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से बिगड़ ही रही थी, उस पर पिछले साल आए मॉनसून ने इसे बद से बदतर कर दिया। बारिश सामान्य से 50% ज्यादा हुई और इसकी वजह से देश के कई हिस्सों को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। विश्व बैंक के मुताबिक बाढ़ से 50 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान देश को झेलना पड़ा है। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि 9 मई 2023 को अल कादर ट्रस्ट मामले में पेशी के लिए इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तभी उन्हें पाक रेंजर्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इमरान खान को एक तरह से घसीटते हुए ले जाने की तस्वीरें सामने आई है। इमरान खान की इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इमरान खान इस समय अपनी लोकप्रियता के चरम पर हैं और लाखों की तादाद में समर्थकों के साथ रैलियां भी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को अब डर सता रहा है कि देश में राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो सकता है जो गृह युद्ध में भी बदल सकता है। इसको रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना देश में मार्शल लॉ भी लगा सकती है। अब इस बीच यह भी खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट से करीब 150 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कर चुका है।
मतलब यह हुआ कि जितने भी पाकिस्तानी रईस हैं वह देश छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि कराची में जो दाऊद और उसका साम्राज्य रह रहा है उसका क्या होने वाला है। इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि दाऊद पाकिस्तान में रहने की भारी कीमत चुका रहा है और इस बारे में पाकिस्तान की किसी भी सरकार ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। यहां तक कि जब पिछले साल नई दिल्ली में इंटरपोल की मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव से जब दाऊद के बारे में सवाल पूछा गया था तो उसने अपने मुँह पर उंगली रख लिया था। तो क्या इस सिचुएशन में दाऊद पाकिस्तान की हेल्प करने वाला है? तो इसका जवाब है हाँ। दाऊद और उसके साथियों के पास अब कोई रास्ता बचा भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। वह अभी पाकिस्तान से बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता है। पाकिस्तान जब भी किसी मुसीबत में घिरा है दाऊद उसे अपनी अवैध कमाई से बाहर निकाला है। डी कंपनी के पास दुनिया भर में अवैध कारोबार है जिससे हजारों करोड़ रुपए की आमदनी होती है। दाऊद सिर्फ पाकिस्तान में रहने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च करता है। वह देश के सरकार से ज्यादा वहां के आर्मी चीफ के साथ संपर्क में रहता है क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान में शासन उसके आर्मी और आईएसआई का ही रहने वाला है। इसीलिए दाऊद अभी पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलने वाला है और इस परिस्थिति में भी चाहे कितने ही पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े दाऊद पाकिस्तान में ही रहने वाला है। पाकिस्तान के अंदर अभी जो हड़कंप मचा हुआ है और लोग जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उससे दाऊद के ठिकाने को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भले ही प्रदर्शनकारी जनरल के हेडक्वार्टर में घुस गया हो लेकिन कराची में दाऊद के किले में घुसना उन लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है और इस बात को पाकिस्तानी आवाम भी समझ रही है कि अल्टीमेटली हमें चावल दाल यहीं से मिलने वाला है। इसीलिए वे लोग भी दाऊद के किले में सेंध गाने से बचेगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में यह तमाशा कितने दिनों तक चलने वाला है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।